हेलो एवन, टॉपिक टेस्ट के टेस्ट फोर में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा मिक्सर एलिगेशन पे बेस्ड टॉपिक टेस्ट है। चलते हैं उसके क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल हम लोगों का बोल रहा है कि इन 100 केजी ऑफ एन एलॉय, ठीक है, एक एलॉय 100 केजी का, जिसमें तीन और लीड इन द रेशियो 1:3, यानी कि 100 केजी में जो रेशियो है वो है 1:3, ठीक है। किसका किसका रेशियो है? तीन रेशियो लीड है, ठीक है। फिर बोल रहा है मिक्स्ड विथ एक्स केजी के साथ मिला दिया जा रहा है ऑफ टीन एंड लीड। टीन और लीड का ही रेशियो है, जो कि रेशियो क्या है? 3:2 में, ठीक है। बोल रहा है इफ़ द ओवरऑल एलॉय शुड कंटेन बिटवीन 40% एंड 50% टीन। ओवरऑल एलॉय जो होगा वो क्या होगा, किसके बीच में होगा? 40% से 50% के बीच में होगा। व्हाट इज़ द रेंज वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स की रेंज वैल्यू क्या है, हमें ये निकालनी है। देखो, एक्स की रेंज वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि जब इसका मिनिमम रेंज हमारा 40% है और मैक्सिमम हमारा 50% टीन है, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम के अकॉर्डिंग हम लोग एक्स का दो वैल्यू निकाल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग रेंज बांट देंगे। तो जब हम लोग फर्स्ट कंडीशन में 40% लेंगे तो टीन का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2/5, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में जब 50% लेंगे तो टीन का पर क्या फ्रैक्शन हो जाएगा? 1/2। चलो पहला कंडीशन लेते हैं, वो यहाँ से जब टीन उठाएंगे तो ये होगा 1/4, यहाँ से सेकेंड को एक्स के जी से उठाएंगे तो ये होगा हमारा 3/5, और ओवरऑल जो टीन बोल रखा है वो फर्स्ट कंडीशन का क्या है? 2/5। एलिगेशन लगा दो यहाँ से, एलिगेशन जब लगा दोगे यहाँ से तो ये तुम्हारा 2/5 में 3/5 चला जाएगा, तो ये यहाँ पे देगा 1/5, और इधर 5×4=20 हमारा नीचे एलसीएम हो जाएगा, 5×4×2=8 चला जाएगा, यानी क्या बचेगा? 3। 5 से काट दो इसे 4 बार में, यानी कि रेशियो जो तुम्हें मिला वो निकला है 4:3। अब ध्यान दो, ये था हमारा 100 केजी, ठीक है, और ये है हमारा एक्स केजी, यानी 4 का मान हमें दिए हुए है, कितना दिए हुए है? 100 दिए हुए। तो 4 में मैंने क्या गुना किया जो 100 आया? 5, 25, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 25। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? गुना 25 करते चले जाओ, यानी कि 75 केजी, यानी कि एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? 75 केजी, यानी कि एक्स का मान 75 से छोटा नहीं होगा, ठीक है, 75 होगा, या फिर 75 से क्या होगा? बड़ा होगा। और कहाँ तक जाएगा बड़ा में, ये भी देखना है हमें। अब देखो दूसरे कंडीशन में क्या है, फिर उसी तरीके से 1/4 लेंगे 100 केजी, 3/5 लेंगे एक्स केजी, फिर 1/2 लेंगे हमारा ओवरऑल, फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ से जब एलिगेशन लगाएंगे 3/5 में 1/2 घटा दोगे तो सीधा सीधे तुम्हें क्या मिलेगा? 1/10। 1/4 में 1/2 घटा दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? 1/2, यानी कि रेशियो क्या हो गया तुम्हारा? 1/4, ठीक है। रेशियो क्या मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पे? 2:5, ठीक है। 2:5 जब तुम्हें मिल गया तो हम यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला का मान तुम्हें दिए हुए है, कितना दिए हुए है? 100 केजी, ठीक है। 100 केजी का मतलब क्या हो गया? एक यूनिट की मान कितनी होगी? 50, यानी 5 यूनिट की मान क्या हो जाएगी? इंटू 50 कर दो, यानी कि कितना? 250 केजी, यानी एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी तक जाएगी? 250 किलो तक जाएगी, यानी कि एक्स का मान जो लाए करेगा वो 75 या 75 से अधिक और 250 से कम या 250 तक लाए करेगा। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम रेंज हमारा दिया हुआ था मिक्सचर का 40% और कितना है? 50% है। और इसी के साथ हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, और ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इफ वी ऐड 40 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, अगर हम लोग 40 लीटर मिल्क ऐड करते हैं, द कंसनट्रेशन ऑफ मिल्क बिकम 60%। मिल्क का कंसनट्रेशन क्या बन जाता है? 60%। 60% कहने का मतलब क्या है कि 60 मिल्क होगा, 100 क्या होगा? हमारा टोटल होगा, ठीक है। हमारा ना मिल्क मालूम ना वाटर मालूम, तो हम मिल्क को एम बोल दे रहे हैं और वाटर को क्या बोल दे रहे हैं? डब्ल्यू, ठीक है। ये दोनों मैंने मान लिया, ठीक है। क्या बोला था पहला कंडीशन? इफ वी एट 40 लीटर मिल्क, यानी कि मिल्क को हम लोग 40 लीटर से बढ़ा देते हैं तो टोटल वाटर तो नहीं मिला रहे ना, तो टोटल कंसनट्रेशन सिर्फ 40 से बनेगा। टोटल कंसनट्रेशन पहले था मिल्क प्लस वाटर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 से बढ़ जाएगा, और यही ऐड करने के बाद हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या है? 60/100, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/5। अगला लाइन देखो क्या बोल रहा है।
बट इफ़ वी ऐड 50 लीटर ऑफ वाटर, लेकिन जब हम लोग उसमें 50 लीटर वाटर ऐड करते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ मिल्क बिकम क्या 20%, मिल्क जो है 20% बन जाता है। तो मिल्क 20% बनने का मतलब क्या है, 20 by 100 हो जाएगा मिल्क, और बाकी नीचे हमारा क्या हो जाएगा 100 टोटल। तो मिल्क में तो हम लोग इस सेकेंड कंडीशन में मिल्क तो ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ वाटर ऐड कर रहे, तो मिल्क मिल्क का मिल्क ही रहेगा, एम ही रहेगा। वाटर जब ऐड करेंगे यानी कि टोटल कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ किया यानी कितना से इंक्रीज़ किया, 50 से इंक्रीज़ किया, और यही हमें यहाँ पे देगा 1/5। अब देखो दो इक्वेशन है MW का, इसी को सॉल्व करके हमें MW का मान निकालना है। क्यों? क्योंकि पूछ क्या रहा है हमारे सवाल में, व्हाट इज़ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर, यानी कि मिल्क की ओरिजिनल मात्रा कितनी थी। ओरिजिनल मात्रा ऑप्शन में देखो सारा परसेंटेज में बताया, यानी तुम्हें क्या निकालना है, परसेंटेज मिल्क निकालना है, जिसके लिए तुम्हें मिल्क और वाटर दोनों मालूम होनी चाहिए। तो देखो परसेंटेज मिल्क कैसे निकलेगा, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये देगा 5m, और प्लस में ये कितना देगा हमारा 200, ठीक है, इज इक्वल टू ये देगा हमें 3m प्लस में 3w और फिर प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 480 × 3 यानी कि 120। तो अब सॉल्व करेंगे, 5m में 3m चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा 2m, फिर प्लस में 200 में 120 चला जाएगा यानी कि 80, बराबर में क्या हो गया 3w, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें देगा 5m बराबर में m प्लस w प्लस में क्या 50। यहाँ से सॉल्व करके लिया 4m बराबर में क्या m w प्लस में क्या 50, m इधर से इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 4m है, यहाँ 2m है, थोड़ा इसे चेंज कर देंगे, अगर ये लिख देते हैं 4m प्लस में 160 इज इक्वल टू 6w तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 4m की वैल्यू यहाँ पे रख दो, w प्लस में कितना 50 प्लस में 160 बराबर में तुम्हारा क्या है 6w, 6w में w चला जाएगा यानी क्या बचेगा 5w, 160 में 50 जब ऐड कर दोगे तो ये तुम्हें कितना देगा 210, यानी कि w की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 42, यानी कि w निकल गया हमारा 42 लीटर। अब w को कहीं पे भी रख दो वहाँ पे तुम्हारा m का मान निकल जाएगा, चलो यहीं रखते हैं। 42 प्लस में 50 जब रख देते हैं तो ये हमें देता है 92, यानी कि किसका मान है 4m का, 4 से जब इसे काट दोगे तो ये तुम्हें देगा 23 बार में, यानी m की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 23 लीटर। अब हमें क्या निकालना था, परसेंटेज मिल्क, परसेंटेज मिल्क कैसे निकालेंगे, जितनी मिल्क की मात्रा है उतनी 23 बटे में टोटल, टोटल यानी कि मिल्क प्लस वाटर 23 प्लस में क्या 42 गुने में क्या कर देना है 100 कर देना है। इसी को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होने के बाद जो परसेंटेज आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, और सॉल्व होने के बाद ये तुम्हें देगा 35.38%, और यही ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है 35.38%, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल में देखो क्या बोल रहा है, ए वेसल ऑफ कैपेसिटी 3 लीटर, ठीक है, एक वेसल जिसकी कैपेसिटी 3 लीटर हैज 33.33% अल्कोहल। जैसे ही 33.33% आया यानी कि हम लोग क्या समझ गए 1/3 अल्कोहल है, ठीक है। तो 3 लीटर जब हमारा मिक्सचर है तो उसमें अल्कोहल का अगर बात करें हम लोग तो अल्कोहल क्या है 1/3 यानी कि 1 लीटर, 3 का 1/3 क्या होता है 1 लीटर। अनदर वेसल ऑफ कैपेसिटी 10 लीटर, दूसरा वेसल है जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर, ये हम लोग किसको इंडिकेट कर रहे हैं, कैपेसिटी को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। हैड 60% अल्कोहल, जिसमें 60% क्या है अल्कोहल है, तो 60% अल्कोहल का मतलब क्या हो गया 6 लीटर अल्कोहल। द टोटल लिक्विड ऑफ 13 लीटर्स, ये 3 लीटर और ये 10 लीटर 13 लीटर्स वॉज पॉर्ड आउट इन अ वेसल, एक वेसल में पॉर्ड आउट कर दिया जाता है, ऑफ कैपेसिटी 14 लीटर, जिसकी कैपेसिटी क्या है 14 लीटर है। एंड दस द रेस्ट पार्ट ऑफ द वेसल वॉज फिल्ड विथ वाटर, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे हम लोगों ने 13 लीटर डाला, 14 लीटर कैपेसिटी, तो 1 लीटर हम लोगों ने क्या डाला वाटर डाल दिया। वॉट इज द न्यू कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का नया कंसनट्रेशन क्या है, तो बड़ा आसान हो गया, अल्कोहल का पूछ दिया कंसनट्रेशन यानी कि क्या परसेंटेज अल्कोहल निकालना है, तो परसेंटेज अल्कोहल कैसे निकलेगा, अल्कोहल की जितनी मात्रा है अभी 6 लीटर और यहाँ पे क्या 1 लीटर, यानी ये कितनी हो जाएगी 7 लीटर, आउट ऑफ कितना टोटल कितना कैपेसिटी है हमारा 14 लीटर का है, उसका कैपेसिटी यानी कि 14 लीटर गुने में क्या कर देना है 100 और यहाँ पे परसेंटेज लगा देना है। 7 से काट दोगे इसे 2 बार में, 2 से काट दो इसे 50 बार में, यानी कि तुम्हारा जो आंसर आ गया परसेंटेज अल्कोहल वो क्या है 50% तुम्हारा अल्कोहल है एंड रेस्ट तुम्हारा वाटर है, लेकिन हमसे पूछा अल्कोहल ही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा 50%, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल को ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा सवाल है, लैंग्वेज को सिर्फ तुम्हें पकड़ना है इसमें, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है सवाल में, टू वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, ठीक है, दो वेसल्स जिसकी कैपेसिटी क्या है इक्वल है,
कंटेन्स हाइड्रोजन एंड हीलियम इन द रेशियो क्या 4:1 and 3:1। दो वेसल है जिसमें हाइड्रोजन भी है हीलियम भी है और दोनों की कैपेसिटी क्या है इक्वल है, मतलब दोनों में जो भी मात्रा होंगी वो क्या होंगी इक्वल होंगी। 4:1 है यहाँ पे और ये है 3:1 में। तो इसकी कैपेसिटी को ना थोड़ी देर के लिए ना हम लोग मान लेते हैं कुछ भी। यहाँ देखो 4 और 1 क्या है 5, 3 और 1 क्या है 4, इन दोनों का मल्टीपल कुछ ले लो तो 5, 4 का मल्टीपल क्या हो जाता है सबसे नज़दीक में 20 लीटर, यानी इसकी भी मात्रा बोलें और इसकी भी मात्रा बोलें तो दोनों ही क्या है हमारा 20 लीटर है हमारा। 20 लीटर में सबका एक्चुअल वेट निकाल लो, ठीक है। एक्चुअल वेट निकालोगे जब तुम यहाँ पे तो 415 यूनिट का मान 20 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर 4 लीटर के बराबर, तो 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 16 लीटर और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 लीटर। उसी तरीके से 314 यूनिट का मान 20 के बराबर जब है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 लीटर, यानी कि 3 यूनिट का मान कितना 15 लीटर और यहाँ पे क्या है 5 लीटर। ये निकल गया यूनिट में, चूंकि हमें बाद में रेशियो में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कुछ भी मान सकते हो। फिर क्या बोल रहा है 25% ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम फर्स्ट वेसल इज टेकन आउट। 25% मतलब क्या 20 लीटर का 25% डेट इज 1/4, यानी कि 5 लीटर बाहर निकाल दिया जाता है। 5 लीटर जब बाहर निकाल दिया जाता है एंड पुट इनटू सेकंड वेसल, किस वेसल में डाल देता है सेकंड, तो फर्स्ट से जो ये 5 लीटर निकलेगा ये किस रेशियो में निकलेगा 4:1 में ही। अब साफ साफ दिख रहा है 4:1 में ये हाइड्रोजन है हमारा और ये हीलियम है, तो 415 का मान 5 के बराबर है तो 1 यूनिट का मान 1, यानी कि हाइड्रोजन 4 लीटर निकलेगा और हीलियम क्या निकलेगा 1 यूनिट लीटर निकलेगा हमारा, ठीक है। तो 4 लीटर और 1 लीटर जब निकला वो किस में डाल दे रहे हैं हम लोग सेकंड में डाल दे रहे हैं, तो इसमें ले जाके हम लोग क्या करेंगे 4 लीटर और 1 लीटर को ऐड कर देंगे तो 15:4 कितना हो जाएगा 19 और यहाँ से 5:1 कितना हो जाएगा 6, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम का रेशियो अगर हम लोग बात करें तो 19:16, क्वांटिटी की बात करें तो 19 लीटर और 6 लीटर। अब देखो चूंकि तुमने यहाँ से 4 लीटर निकाल दिया तो यहाँ पे तुम्हारा बच कितना रहा है 12 लीटर, यहाँ से 1 लीटर निकाल दिया तो यहाँ पे बच क्या रहा है 3 लीटर। अब अगला कंडीशन क्या बोल रहा है एन इक्वल अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम सेकेंड वेसल। इक्वल अमाउंट बोला है, यानी इक्वल परसेंटेज नहीं बोला, इक्वल अमाउंट बोला। इक्वल अमाउंट का मतलब क्या है तुम्हारा 5 लीटर, ठीक है। जो तुमने फर्स्ट से सेकेंड में 5 लीटर अमाउंट में डाला था वही तुम अब क्या कर रहे हो सेकेंड से फर्स्ट में डाल रहे हो, यानी कि सेकेंड से फर्स्ट में जब डालोगे ये 5 लीटर तो वो किस रेशियो में निकलेगा 19:6 किस में 6 में निकलेगा, और किस में डाल रहे हो तुम फर्स्ट में डाल रहे हो। तो वही पूछ रहा है तुमसे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन टू हीलियम इन द फर्स्ट वेसल फाइनली इसमें क्या रेशियो आने वाला है। तो फाइनली तुम यहाँ पे देखो क्या रेशियो आएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये 12 लीटर था हमारा पहले से, ठीक है, और ये हमारा हीलियम है ये हाइड्रोजन है, तो सॉरी ये हाइड्रोजन है हमारा और ये हमारा हीलियम है, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम का रेशियो 19:6 है तो अगर क्वांटिटी निकालेंगे तो ये क्या होगा 19 by 6 हमारा 25 होगा गुने में क्या 5, ठीक है। हीलियम निकालेंगे तो 6 by 25 × 5, ठीक है। अब 12 लीटर पहले से है इसमें तुम्हें ऐड करना है 19 × 5 by 25, ठीक है। रेशियो चूंकि रेशियो पूछा डायरेक्टली रेशियो लिख देते, 3 लीटर हमारा पहले से था इसमें ऐड करना है 6 by 25 × 5, 5 से काट दो इसे 5 बार में, 5 से इसे भी काट दो 5 बार में, 12 × 5 जा हमारा 60 में 19 जोड़ देंगे तो कितना होगा 79/5, ठीक है। रेशियो 5 × 3 जा 15 में हम लोग यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे तो 15 × 6 कितना होता है हमारा 21 5, और ये 5 5 कट जाएगा, इसी के साथ हमारा फाइनल रेशियो जो फर्स्ट वेसल का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 79:21 एंड योर आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जस्ट ध्यान से देखो कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, सवाल बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है हम लोगों का, बिल्कुल ही आसान सवाल, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रख के थोड़ा सा आसानी से समझोगे लैंग्वेज को तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। क्या बोल रहा है इन अ वेसल देर आर 100 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, 100 लीटर मिल्क था, फ्रॉम विच 30 लीटर ऑफ मिल्क इज ड्रॉन, 30 लीटर मिल्क निकाल दिया था एंड रिप्लेस्ड विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। तो 30 लीटर जब मिल्क निकाल दे रहा है तो मिल्क हमारा बचेगा कितना 70 लीटर, ठीक है। और जब 30 लीटर निकाल दिया तो मिल्क और वाटर का रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 70:30, दैट इज नन अदर देन 7:3, ठीक है। फिर बोल रहा है अगेन 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन,
ठीक है, फिर से 30 लीटर मिक्सर ड्रॉ किया जाता है। तो 30 लीटर जो ड्रॉ करेगा वो किस रेशियो में ड्रॉ करेगा, 7:3 में ही ड्रॉ करेगा। तो उसमें मिल्क कितना निकलेगा, 30 का 7 बाई में क्या 10, यानी कि मिल्क को निकाल दो, मिल्क की क्वांटिटी को निकाल दो, 30 बाई गुने में 7 बाई में क्या 10 लीटर मिल्क तुमने निकाल दिया एंड रिप्लेस्ड विथ इक्वल अमाउंट ऑफ 60% कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको रिप्लेस करें किससे, इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट मतलब क्या, 30 लीटर का ही 60% मिल्क कंसंट्रेशन, मतलब इसमें से सिर्फ 60% मिल्क है यही हम लोग डाल रहे हैं वापस, यानी इसका 60% निकाल दो। तो यहाँ से देखो, पहले मिल्क तुम्हारा इतना था, फिर तुमने इतना निकाला, फिर तुमने मिल्क कितना डाला, तो मिल्क की क्वांटिटी यहाँ से तुम्हें निकल जाएगी लीटर में। यहाँ पे 0 0 काट दो, 0 0 यहाँ से, 0 0 यहाँ से भी खत्म, यानी क्या बच गया, 70 माइनस में 21 प्लस में क्या 18, इन दोनों के बीच का कितना का डिफरेंस है, 3 का, यानी 70 में 3 चला जाएगा, यानी क्या बचेगा, 67 लीटर। अब तुमसे पूछ रहा है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द वेसल, मिल्क का कंसंट्रेशन बताने के लिए वेसल में, तो मिल्क का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, परसेंटेज मिल्क निकालना है। अब देखो साफ साफ कि टोटल तो इनिशियल हमारा 100 लीटर ही था, ठीक है, अब 100 लीटर के रेस्पेक्ट में ही जब निकालना है हमको, तो समथिंग रिप्रेजेंटेड एज 100 इज नोन एज व्हाट, इट इज परसेंटेज, यानी कि 67 लीटर बोलो या 67% बोलो, दोनों ही बात क्या है, बराबर है, यानी 67% क्या हो गया, परसेंटेज मिल्क हो गया। ठीक है, बिल्कुल ही आसान सा सवाल था, अगर इसे दूसरा किसी भी तरीके से करोगे बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होने वाला है, ठीक है, ये मेरी दावा। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, 18 लीटर ऑफ अ लिक्विड कंटेन वाटर एंड मर्करी इन द रेशियो 3:5, 18 लीटर ऑफ अ लिक्विड कंटेन्स वाटर और मर्करी, ठीक है, इन द रेशियो 3:5, ठीक है, 3:5 में, तो वाटर है हमारा, मर्करी है 3:5 में, जिसकी वजन दी हुई है 18 लीटर, ठीक है, तो वाटर का अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, 3 बाई में 8 गुने में क्या 18, और मर्करी अगर निकालें तो 5 बाई में 8 गुने में क्या 18, ठीक है। फिर बोल रहा है सवाल में, इफ 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द लिक्विड, 3 लीटर वाटर जो है ऐड कर दिया जाता है, तो 3 लीटर वाटर ऐड कर दो, ठीक है, वाटर के साथ 3 लीटर ऐड कर दिए, एंड 20% ऑफ द मर्करी इज रिमूव्ड, 20% जब रिमूव कर दे रहे हैं तो हमारा बच रहा है कितना, 80%, यानी लिख दिया 80%, देन द अमाउंट ऑफ मर्करी, मर्करी का जो अमाउंट है इज व्हाट परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ व्हाट, अमाउंट ऑफ वाटर इन द लिक्विड, लिक्विड में वाटर की जो मात्रा है उसका कितना परसेंट है, बोल दिया मैंने 8% है, कौन, मर्करी। अब इसी चीज़ को सॉल्व करने से देखो 100 100 खत्म हो जाएगा, 8 से ये कट जाएगा 10 बार में, अब यहाँ से सॉल्व करना है तुम्हें, 2 से काट दो 4 बार में, 2 से काट दो 9 बार में, 9 × 3 क्या 27, 4 3 क्या 12, 27 और 12 जब तुम ऐड करोगे तो ये क्या देगा तुम्हें, 39/4 ऑफ ए बराबर में 18 5 क्या होता है तुम्हारा 90, ठीक है, 18 5 तुम्हारा क्या हो गया यहाँ से 90, और यहाँ पे तुम्हें क्या कर देना है, एक जीरो और है यहाँ पे, तुम्हें ऐड कर देना 900, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करोगे 3 से तुम्हारा कट जाएगा 13 बार में, 3 से ये कट जाएगा 300 बार में, यानी कि यहाँ से ए की जो वैल्यू आ गई तुम्हारी, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 300 × 4, यानी कि कितना, 1200/13। अब इसी को तुम्हें काटना है, काटने के बाद सीधा सीधे तुम जब काटोगे इसे तो ये तुम्हें देगा 92.30%, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 92.30, इसे काट लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल में देखो क्या है, बोल रहा है ए शॉपकीपर एडेड 10 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 40 rupees per kg, ठीक है, एक शॉपकीपर जो है 10 किलो राइस ऐड करता है, कॉस्टिंग क्या है 40 rupees per kg, विथ 40 rupees वाला कितना किलो लेता है, वो 10 किलो, ठीक है, और 60 rupees वाला वो कितने किलो लेते हैं, 30 किलो, यानी कि मिक्सचर का दाम हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, एलिगेशन लगा के, सिंपल एलिगेशन लगा दो, 60 - x होगा हमारा, नेक्स्ट क्या होगा, x - 40, 60 में जब x घटाओगे तो क्या आता है, 10 आता है, यानी कि यहाँ 10 लिख दो, यहाँ पे 30 लिख दो, 0 0 काट दो, इसी को जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो आएगी 55, ठीक है। फिर देखो अगला लाइन क्या बोल रहा है, ही एडेड 16 kg ऑफ मिक्सचर विथ सम kg ऑफ राइस कॉस्टिंग क्या 80 per kg, 16 kg मिक्सचर, मिक्सचर में से अब टोटल नहीं लेता है, मिक्सचर में से क्या लेता है 16 kg, यानी मिक्सचर का जो दाम है वो है 55 rupees per kg, और इसमें से उसने लिया कितना 16 kg ही मात्र लिए हैं, ठीक है, और इसको मिक्स किसके साथ कर रहे हैं, 80 रुपए के साथ, जो कि हम लोगों ने x kg लिया है, कितना kg लिया है x kg, ठीक है।
इफ ही सेल्स फाइनल मिक्सचर फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ 75, ठीक है, जो फाइनल मिक्सचर अब बनेगा उसको वो 75 रुपये में बेच देता है और कितना कमाता है, 25% कमाता है। तो मिक्सचर का हम लोग सीपी निकाल सकते हैं। मिक्सचर का सीपी अगर हम लोग यहाँ से ए मान लेते हैं, ये यहाँ पे ए मान लेते हैं, तो ए पे वो 125% कमा रहा है, बराबर में क्या है 75। 25 से ये काट दो 5 बार में, 25 से काट दो 3 बार में, 5 से काट दो 20 बार में, यानी ए की वैल्यू जो निकल गई वो कितनी निकल गई, 60 निकल गई, यानी मिक्सचर का दाम क्या निकल गया, 60 निकल गया। अब यहाँ से एलिगेशन लगा दो, 80 में 60 जाएगा 20, यहाँ पे क्या 5, रेशियो क्या आ गया 4 में क्या 1। अब यहाँ से तुम देखो 4 का वैल्यू तुम्हें दिए हुए है, कितना दिए हुए है 16 kg दिए हुए है, यानी एक यूनिट का मान क्या हो गया 4। तो एक यूनिट का मान जब 4 हो गया तो यहाँ से भी हम लोग एक यूनिट का मान क्या बोल सकते हैं 4 kg, यानी एक्स की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 4 kg हो गई। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 kg, यही हमारी क्या है एक्स की वैल्यू है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल क्या है हम लोगों का, क्या बोल रहा है, बीकर वन कंटेन 15 लीटर ऑफ 30% कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन। ठीक है, पहले बीकर में जो है HCl सॉल्यूशन का जो मात्रा है वो 30% है, किसका, 15 लीटर का। तो 15 लीटर का 30% हमें क्या देगा, 4.5 देगा। फिर बोल रहा है बीकर सेकेंड कंटेन 20 लीटर ऑफ 50% कंसनट्रेटेड HCl। 50% का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधी याद है, यानी HCl जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। कंटेंट ऑफ बोथ द बीकर्स आर एम्प्टीड इन द थर्ड बीकर, जो दूसरे बीकर, दोनों बीकर का कंटेंट है वो एक तीसरे बीकर में क्या किया जाता है, खाली किया जाता है। ठीक है, हाउ मच प्योर एसिड एंड वाटर, ठीक है, प्योर एसिड और वाटर, ऑब्लिक का मतलब क्या है और, ठीक है, या तो एसिड या वाटर, ठीक है, शुड बी एडेड इन द थर्ड बीकर, तीसरे बीकर में ऐड करना है, सो डैट द सॉल्यूशन बिकम्स क्या, 40% कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो बन जाएगा वो 40% बन जाएगा कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो 40% कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हो गया कि HCl का जो मिक्सचर में होगा वो क्या होगा 40%, यानी कि 40/100 दैट इज नन अदर देन 2/5। अब देखो या तो एसिड ऐड करना है तुम्हें या फिर क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। तो जब हम लोग पहले एसिड ऐड करते हैं तो हम लोग अगर बोल देते हैं एक्स एसिड एडेड, ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है कंडीशन में, एक्स एसिड जब तुम ऐड कर रहे हो तो एसिड तुम्हारा कितना है 4.5 एंड 10, यानी कि क्या हो जाएगा 14.5 में तुम एक्स एसिड ऐड कर दोगे। टोटल तुम्हारा कितना था 15 लीटर एंड 20 लीटर, यानी क्या 35 में भी तुम x बढ़ा दे रहे हो, और HCl का जो परसेंटेज है या रेशियो है वो क्या है हमारा 2/5। 2 हमारा HCl को बता रहा है, 5 हमारा टोटल को बता रहा है, यहाँ भी HCl बाई में टोटल। जब तुम इसे सॉल्व करोगे 14.5 × 5 तुम्हें देगा 72 में कितना 5, प्लस में हमारा 5x, बराबर में क्या हो जाएगा 70, प्लस में क्या हो जाएगा 2x। अब तुम यहाँ पे देखो 2.5 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, और इधर जब तुम करोगे 5x जब जाएगा इधर तो ये तुम्हें देगा माइनस में 3x, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो किस चीज़ में आ रही है, निगेटिव में आ रही है, और निगेटिव में आना संभव है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे x को क्या किया था, ऐड किया था। तो ये तो क्लियर हो गया कि हम लोगों ने एसिड ऐड नहीं किया, तो जो जो ऑप्शन एसिड वाले हैं वो तो खत्म हो गए कि ये एसिड, ये भी एसिड, ये सब तो खत्म हो गए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। अब हम लोग बोल रहे हैं एक्स वाटर एडेड, ठीक है, तो वाटर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड तो वही का वही रहेगा 14.5, टोटल क्वांटिटी पे इफेक्ट आएगा 35 प्लस कितना हमारा एक्स, बराबर में क्या हो जाएगा 2/5। फिर देखो 14.5 × 5 जब करोगे तो 72.5 होगा, बराबर में 70, प्लस में क्या 2x, यानी 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5, यानी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1.25 लीटर। और यही हमारा आंसर है कि हम लोगों ने जो ऐड किया है वो ऐड किया है 1.25 लीटर ऑफ क्या, प्योर वाटर। ठीक है, क्योंकि यार आप सब देख रहे हो एक्स जो है वो किस में आया, पॉजिटिव में आया। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, 1.25 लीटर प्योर वाटर हम लोगों ने ऐड किया है। ये सवाल को ध्यान रखना कि एसिड और वाटर ऑब्लिक में दिए हुए, तो एक बार एसिड के साथ कर लो, एक बार वाटर के साथ कर लो, जिसके साथ हमारा सेटिस्फाई हो जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल में क्या है,
टू मिक्सचर ए एंड बी आर मेड अप ऑफ मिल्क एंड वाटर, दो मिक्सचर ए और बी है जो कि किससे बना हुआ है, मिल्क और वाटर से बना हुआ है, इन द रेशियो 1:3 एंड 3:5, किस रेशियो में, 1:3 में और 3:5 में रेस्पेक्टिवली, इफ द टू मिक्सचर्स आर मिक्सड इन अ सर्टेन रेशियो, इन दोनों ही मिक्सचर्स को किसी एक सर्टेन रेशियो में मिला दिया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो मिल्क जो होगा फर्स्ट का कितना हो जाएगा 1/4, और सेकेंड का मिल्क कितना हो जाएगा हमारा 3/8 ए और बी का, ठीक है। अब बोल रहा है कि इनको किसी रेशियो में मिला दिया जाए और रेशियो में मिल्क और वाटर इन द फाइनल मिक्सचर इज ग्रेटर देन 2/5। मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा फाइनल मिक्सचर में वो क्या है, 2/5 से अधिक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल रेशियो ऑफ ए एंड बी इन द फाइनल मिक्सचर, ए और बी का पॉसिबल वैल्यू क्या है ये आपको ये बताना है। तो ध्यान से देखो पॉसिबल वैल्यू बताना है, मिक्सचर का जो वजन है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो क्या है 2:5 से 2/5 से क्या है ज़्यादा है। तो हम लोग मिनिमम कंडीशन में अगर चलते हैं पॉसिबली के लिए, तो मिनिमम कंडीशन में हम लोग 2:5 ही ले लेते हैं मिक्सचर में। तो मिक्सचर का जब तुम्हारा रेशियो तुमने ले लिया मिल्क और वाटर का 2:5, तो मिल्क कितना हो जाएगा 2/7, तो यहाँ पे लगा दो 2/7, ठीक है। 2/7 जब एलिगेशन से तुम लगा दोगे तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 56, ठीक है, और यहाँ से तुम घटा दोगे तो ये देगा 1/28 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, यानी कि रेशियो जो आ गया 5:5 में क्या आ गया 2 आ गया। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 5/2, ऑप्शन नंबर की पॉसिबल रेशियो जो है वो क्या हो सकती है 5/2 हो सकती है ए और बी की। अब बोल रहे हो यहाँ पे कि सर 5/2 दिए हुए था तो 2/5 ही एग्जैक्ट क्यों नहीं, तो देखो पॉसिबल के लिए हमारा मिनिमम से ही ना शुरुआत करेंगे हम लोग, कि जो एकदम लीस्ट है वहाँ से शुरुआत करेंगे और मैक्सिमम हम अनंत तक जा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हम ले सकते हैं। इसलिए हम लोग मिनिमम के लिए वहाँ पे क्या लेते हैं, उसकी एकदम मिनिमम वैल्यू लेते हैं, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे 2:5 लेके चले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, और ये आखिरी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, क्या बोल रहा है नेक्स्ट सवाल में, ए मिक्सचर ऑफ टी इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू वेराइटीज ऑफ टी पी एंड क्यू, ठीक है। ए मिक्सचर जो फॉर्म किया जाता है दो वेराइटीज ऑफ टी को फॉर्म मिला के किया जाता है पी और क्यू इन द रेशियो 1:3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा बोल दिया पी और क्यू का जो रेशियो है वो है 1:3, ठीक है। एंड अनदर मिक्सचर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट वेराइटी ऑफ टी, दो अलग अलग तरह के टी मिलाते हैं जो कि रेशियो में क्या है क्यू रेशियो में आ रहे हैं, और इसकी रेशियो क्या है हमारी 2:1 है, ठीक है। अब ध्यान रखो कि इसमें ना पी क्यू आर नहीं कर देना कि आराम से पी क्यू आर दिख गया, पी क्यू दिख गया, क्यू आर दिख गया, हम लोग पी क्यू आर कर दिए, क्योंकि आगे देखो तुम्हें बोल रखा है दीज टू मिक्सचर्स आर मिक्सड इन द रेशियो 5:4, इन दोनों को 5:4 में मिलाते हैं, मतलब ये वाला मिक्सचर और ये वाला मिक्सचर का जो रेशियो है वो तुम्हें दिए हुए है 5:4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ना कुछ कटने छटने के लिए ना हम लोग आसान सा नंबर एज्यूम कर लेते हैं कि इस 5 का कोई वैल्यू निकाल लेते हैं और 4 का, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे 3 और 1 4 है, ठीक है, यहाँ पे 2 और 1 क्या है 3, 4 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा 12, ठीक है, 4 और 3 का 12 कॉमन मल्टीपल होगा, तो इसको भी 12 से गुना कर दो, इसको भी 12 से गुना कर दो, यानी कि फर्स्ट का जो वजन है उसको मान लो 60 लीटर, सेकेंड का जो वजन है उसको मान लो 48 लीटर, नहीं सॉरी केजी, ठीक है, टी है हमारा यहाँ पे केजी। अब जब ये 60 केजी हो गया तो 314 यूनिट का मान 60 के बराबर जब होगा तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा 15 के बराबर हो जाएगा, तो 3 यूनिट का मान क्या देगा हमें 45 केजी, ठीक है। उसी तरीके से 213 का मान 48 के बराबर होगा तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा 16 के बराबर होगा, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 केजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो सवाल आगे क्या बोल रहा है, फाइनली अ फोर्थ मिक्सचर इज फॉर्म्ड, चौथा मिक्सचर फॉर्म्ड किया जाता है बाय मिक्सिंग सम इम्प्योरिटीज, तो सम इम्प्योरिटीज को हम लोगों ने मान लिया एक्स, ठीक है, टू द 432 केजी, किसके साथ 432 केजी ऑफ थर्ड मिक्सचर, तीसरे मिक्सचर, इन दोनों को मिला के जो बना उसके 432 किलो के साथ मिक्स किया जाता है, यानी कि चौथा मिक्सचर जो फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है 432 प्लस में एक्स लेके फॉर्म होता है। If the amount of TQ in the final mixture, जो Q की मात्रा है is 50%, यानी कि ये चौथे मिक्सचर का क्या है 50%, यानी कि 1/2, और Q की मात्रा क्या है, देखो Q की मात्रा यहाँ से निकाल लो,
क्यू यहाँ पे 45 है, यहाँ 32 है, 45 प्लस 32 हमारा कितना हो जाएगा 77, बटे में टोटल कितना है हमारा 60 और 48, यानी कि 60 और 48 जब तुम करोगे तो ये तुम्हें क्या देगा 108, ठीक है। क्यू की मात्रा कैसे निकलेगी हमारे यहाँ पे, टोटल वजन हमारा क्यू थर्ड मिक्सर का कितना ले रहा है 432 किलो ले रहा है, तो क्यू की मात्रा 432 किलोमीटर से निकाल देना है। ये हो गई क्यू की एलिमेंट थर्ड में, और ये टोटल का 1/2 क्या है क्यू दे रहा है, यानी क्यू बराबर में क्यू की मात्रा बराबर में क्यू की मात्रा कर दो, 108 से ही से काट दो चार बार में, दो भी ऊपर चला जाएगा 8, 77 इंटू 8 जब तुम करोगे तो ये तुम्हें देगा 616, और यहाँ पे तुम्हारा 432 प्लस में x बचा हुआ है, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 616 माइनस में क्या 432, दैट इज नन अदर देन 184 kg एंड योर आंसर इज 184 kg, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ध्यान रखना ये सब सवाल के लिए, स्टेटमेंट को ध्यान से समझो कि स्टेटमेंट बोलना क्या चाह रहा है, और स्टेप बाय स्टेप चलो, और ये सब सवाल में ना एक बैग पी क्यू आर नहीं निकाल देना, देख रहे हो ना यहाँ पे दो अलग अलग बैग्स की चर्चा है, तो तुम निकाल के भी कुछ वैसा कुछ हासिल नहीं कर लोगे, ठीक है। तो जहाँ तक हो सवाल को कॉम्प्लिकेटेड ना बना के उसे आसान बनाने का तरीका ढूंढो। होप आप लोगों को ये सीरीज समझ में आया होगा, अगर ये सीरीज समझ में आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आप जब तक इसे शेयर नहीं करोगे तब तक हम लोगों में ये उत्साह नहीं जागेगा ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छा लेके आए, ठीक है। क्योंकि जब कम लोग देखेंगे तो हम लोग को भी लगेगा ना कि लोग कम ही जान रहे हैं इसके बारे में, या लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो यार जाके, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन तुम्हें खुद ब खुद मिल जाए। चलो, थैंक यू।